भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का पहला भाग है। अष्टम कांड के इस पहले भाग में बाबा साहेब हमें तथागत बुद्ध के व्यक्तित्व से परिचित करवा रहे हैं। हमने पिछले कड़ी में भी ये परिचय देखा। इस कड़ी में बाबा साहेब जिस शीर्षक के साथ आगे बढ़ते हैं वो है आँख से देखने वालों की साक्षी। जिन लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से तथागत बुद्ध को देखा, उन्होंने बुद्ध का वर्णन कैसे किया, ये बात इसमें बाबा साहेब लिखते हैं। लिखते हैं कि इस परंपरागत मत का समर्थन उन लोगों की साक्षी से भी होता है जिन्होंने तथागत बुद्ध को उनके जीवन काल में देखा है, जिन्होंने उनसे भेंट की है। एक ऐसा प्रत्यक्ष साक्षी साल नाम का ब्राह्मण था। साल नाम का एक ब्राह्मण जो इसका प्रत्यक्ष साक्षी था, तथागत बुद्ध को आमने सामने देखकर उसने उनकी जो स्तुति की वो इस प्रकार है। जब तथागत के सामने आया तो उस ब्राह्मण ने बैठने तथा कुशल समाचार पूछ लेने के पश्चात तथागत बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षणों को देखा और उनके होने की जांच की। ब्राह्मण सामने बैठे साल तथागत को देखा, जब कहते थे भाई बुद्ध पुरुषों में 32 लक्षण होते हैं, तो उन्होंने 32 लक्षण होने न होने की जांच की उनके शरीर पर। तो 32 महापुरुष लक्षणों के विषय में असंदिग्ध होकर भी उसका ये संदेह बना रहा कि वे बुद्ध है भी या नहीं, उनके मन में फिर भी संदेह था। लेकिन उसने पुराने वृद्ध ब्राह्मणों से, आचार्य प्राचार्यों से ये सुन रखा था, जो अरहत होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, वे अपनी स्तुति सुनने पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए उसने निम्नलिखित शब्दों से तथागत की स्तुति करने की ठानी। उसने ऐसा सुना था कि अपनी स्तुति सुनने पर वे अपने आप को प्रकट करते हैं, ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। तो साल ने भी ये बात तथागत बुद्ध पर आजमानी चाहिए और कहा कि भगवान आपका शरीर अंग संपूर्ण है। उनकी स्तुति करने लगा, उनकी प्रशंसा करने लगा कि भगवान आपका शरीर ये अंग संपूर्ण है, श्रेष्ठ है, समृद्ध है, आकर्षक है, स्वर्ण वर्ण है, दांतों से स्वर्ण रश्मियां निकलती है, अंग अंग सशक्त है, पूरे 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त है, स्पष्ट दृष्टि, सुंदर, ऊंचे और सीधे हैं आप। साल कहने लगे कि आप स्पष्ट दृष्टि, सुंदर, ऊंचे और सीधे हैं आप, अपने अनुयायियों में सूर्य के समान प्रज्वलित है। आपके जो अनुयायी है उनमें आप सूर्य की तरह दिखाई देते हैं। आप ऐसे प्रकाश युक्त, ऐसे स्मरणीय वर्ण, अपने तारुण्य को आप अनागरिक श्रमण बनकर क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं? इतना सुंदर रूप, इतना आकर्षक व्यक्तित्व, इसे अनागरिक बनकर आप श्रमण बनकर क्यों इसे व्यर्थ गवा रहे हैं? आपको तो चक्रवर्ती नरेश बनना चाहिए और समुद्र पर्यंत आपका राज्य होना चाहिए। अभिमानी राजाओं को आपके सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए और आपको समस्त जगत का चक्रवर्ती राजा होना चाहिए। साल कहते हैं कि भाई आप ये किस काम में लगे हैं, आपको ये श्रमण बनकर, अनागरिक बनकर इस तरह से जीवन अपना व्यर्थ गंवाने की क्या जरूरत है? आपने तो चक्रवर्ती राजा होना चाहिए, आपने तो
इतना बड़ा आपका राज्य हो, समुद्र पर्यंत उसकी सीमाएं हो, और अभिमानी राजाओं का शीश भी आपके समक्ष झुकना चाहिए, नतमस्तक होने चाहिए। यह सब आनंद स्थविर के अनुसार तथागत का शरीर इतना अधिक स्वच्छ और ज्योति था। आनंद स्थविर कहते हैं, आनंद स्थविर का ये अपना वक्तव्य है कि तथागत का शरीर इतना स्वच्छ और इतना ज्योति था, चमकीला था, कि यदि उनके बदन पर किसी स्वर्णिम वस्त्र का जोड़ा रखा जाता तो उसकी ज्योति शरीर की ज्योति के सम्मुख म्लान पड़ जाती। मतलब उनका अपनी काया इतनी स्वर्णमय और इतनी तेजस्वी थी कि उनके शरीर पर यदि कोई स्वर्णिम वस्त्र रख दिया जाए तो वो भी काला पड़ जाता, वो भी थोड़ा सा मलिन दिखता, लेकिन उनकी अपनी काया ये इतनी स्वच्छ थी और इतनी चमकदार थी, इतनी ज्योतिली थी। तब इसमें क्या आश्चर्य है यदि तथागत के विरोधी तथागत को एक जादूगर समझते हो। बाबा साहेब लिखते हैं कि इसमें क्या आश्चर्य है कि अगर तथागत के विरोधी उनको कोई जादूगर मानते हो, क्योंकि लोग ऐसे ही उनके पीछे हुआ करते थे, उनके सम्मोहन में फंस जाते थे जादूगर की तरह, तो ये बड़ी सामान्य सी बात है। आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि भिक्षु संघ का कोई वैधानिक अध्यक्ष आदि नहीं था, भिक्षु संघ का ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं था, लेकिन तथागत को संघ पर कोई अधिकार नहीं था और तथागत का भी संघ पर कोई अधिकार नहीं था। भिक्षु संघ एक स्वायत्तपूर्ण संस्था थी, भिक्षु संघ स्वयं ही एक स्वतंत्र संस्था थी, तो भी संघ और उसके सदस्यों पर तथागत को क्या अधिकार था? तब भी तो संघ पर तथागत का अधिकार था, तो वो क्या अधिकार था, बाबा साहेब पूछते हैं। तो इस विषय में हमारे पास तथागत के समकालीन दो जनों के व्यक्ति वक्तव्य उपलब्ध है। बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि इस बात को समझा जाए उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा, तो उसके दो लोगों के वक्तव्य हमारे पास उपलब्ध है। एक बार तथागत राजगृह के वेलुवन में विहार कर रहे थे, तो वे राजगृह में भिक्षाटन के लिए चले, किंतु अभी कुछ जल्दी है ऐसा समझकर वे परिव्राज का राम में सकलुदाई के पास चले गए। उस समय सकलुदाई बहुत से परिव्राजकों से घिरा हुआ था। वे है अथवा नहीं है कि तात्विक चर्चा करके बड़ा हल्ला मचा रहे थे। सकलुदाई उसके बड़े खूब सारे परिव्राजक थे, उनके शिष्य थे, उनके साथ थे वो, और बड़ी जल्दी तथागत निकल पड़े थे राजगृह में भिक्षाटन के लिए। तो चलते चलते उनको लगा कि बहुत जल्दी का समय है, चलो जरा सकलुदाई के पास चला जाए। तो सकलुदाई के पास गए तो वहाँ है और नहीं है इस विषय पर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ था। कुछ दूर से ही जब सकलुदाई ने तथागत को आते देखा, उसने अपने साथियों से कहा, चुप करो, हल्ला मत मचाओ, श्रवण गौतम आ रहे हैं, उन्हें हल्ला प्रिय नहीं है। मतलब सकलुदाई जो है वो पहले से श्रवण गौतम से परिचित भी थे, तो उन्होंने देखा कि भाई श्रवण गौतम आ रहे हैं, तो उन्होंने परिव्राजकों से कहा कि अभी खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ और कोई हल्ला ना करो, क्योंकि श्रवण गौतम आ रहे हैं और उनको हल्ला पसंद नहीं है। अब इस प्रकार वे चुप हो गए, तब तक तथागत आ पहुंचे और सकलुदाई ने कहा कि भगवान आपसे यहां पधारने की प्रार्थना है, आपका सच्चे हृदय से स्वागत है, चिरकाल से आपका इधर आगमन नहीं हुआ, आपके लिए आसन सुसज्जित है, कृपया आसन ग्रहण करें। तो तथागत ने आसन ग्रहण किया और पूछा कि क्या बातचीत चल रही थी, सामान्य सी बात है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बातचीत चल रही थी, तो सकलुदाई बोला, इसे जाने दीजिए, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये कभी भी जान ले सकते हैं। कुछ समय पूर्व जब नाना मतों के श्रमण ब्राह्मण संथागार में इकट्ठे हुए, तो उनमें इस विषय पर चर्चा चली कि मगध के लोगों के लिए ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जितने गणाचार्य हैं, जितने विख्यात श्रमण हैं, जितने नाना मतों के संस्थापक हैं, जितने बहुत लोगों द्वारा आवृत हैं, वे सभी राजगृह में वर्षावास करने आए हैं।
लोग इकट्ठा हुए संताकार में, तो इस तरह की बात करने लगे कि भाई ये कितनी अच्छी बात है कि इतने अच्छे विद्वत जन ये राजगृह में वर्षावास करने आए हैं। उनमें पूर्ण कश्यप है, मक्खली गोशाल है, अजित केश कंबल है, पकुत कच्चायन है, संजय बेलठीपुत है, निगंठ नाथपुत है, सभी विशिष्ट हैं और सभी यहां वर्षावास करने आए हैं। उनमें श्रवण गौतम भी है जो संघ के नायक हैं, ज्ञात विख्यात धर्मानुशासक है, धम्म संस्थापक है, अनेक लोगों के श्रद्धा के भाजन भी है। इतने सारे लोग इकट्ठे राजगृह में आए थे, राजगृह में सबका वर्षावास था। वर्षाकाल में सारे जो साधक थे, ये साधक एक जगह रुक जाते थे, इसी को वर्षावास कहा जाता है, जिसमें ये सारे लोग इकट्ठे रुकते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, और वहाँ चिंतन मनन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, किसी विशिष्ट विषय पर चर्चाएं करते हैं, उस विमर्श से कुछ निकाल कर ले आते हैं, उसका एक निचोड़, और फिर उसके साथ वे आगे बढ़ते हैं। अब इन ज्ञात विख्यात विशिष्ट पुरुषों में कौन है जो अपने शिष्यों द्वारा यथार्थ विधि से आदृत होता है, सत्कृत होता है तथा सम्मानित होता है, और वे कैसे और कितने गौरव की भावना के साथ अपने गुरु के पास रहते हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि वे कौन है बताइए, कि शिष्यों के द्वारा जो आदृत भी है और सम्मानित भी है और गौरव भावना के साथ, और वे कैसे कितने गौरव की भावना के साथ अपने गुरु के पास रहते हैं। तो कुछ ने कहा, पूर्ण काश्यप का कोई आदर सत्कार नहीं करता, उसे अपने शिष्यों से कुछ गौरव प्राप्त नहीं होता, वे अपने गुरु के प्रति तनिक भी गौरव का भाव नहीं रखते। ऐसा भी अवसर रहा कि पूर्ण काश्यप अपने कुछ सौ अनुयायियों को उपदेश दे रहा था, तब तक एक शिष्य बीच में ही बोल पड़ा, पूर्ण काश्यप से मत पूछो, वो इस विषय में कुछ नहीं जानते, मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ, मैं आप सबको सब बातें समझा दूंगा। तो ये इस तरह से कोई शिष्य उनके मंडली से खड़ा हुआ और उन्होंने ये कहा कि भाई ये बात पूर्ण कश्यप से ना पूछे, ये तो मैं ही बता सकता हूँ, मुझसे पूछिए, वो नहीं जानते। तो तब पूर्ण कश्यप ने आँखों में आंसू भरकर और हाथ फैला कर कहा, चुप रहो, हल्ला मत करो, चुप रहो, हल्ला मत करो। तो इस तरह से तथागत बुद्ध के संघ में कोई भी ऐसे सवाल नहीं कर सकता था, या फिर उनके अनुयायियों में ऐसा कोई नहीं था कि जो उठकर तथागत को प्रतिप्रश्न करें और फिर उसके बाद में उनसे उनकी बात से सहमत ना हो। तो तथागत बुद्ध के पास ये जो नेतृत्व क्षमता थी, इस नेतृत्व क्षमता की ये बात है कि वे जब सकलुदाई के पास पहुंचे तो सकलुदाई भी चुप हो गए, उनके शिष्यों को उन्होंने चुप किया और वो सीधे बातचीत में लग गए तथागत के साथ। लेकिन वहां उनका हल्ला चल रहा था, यहाँ पूर्ण कश्यप की भी बात है, इसमें भी उनका हल्ला चल रहा था। तो यहाँ ये जो अध्याय है वो अध्याय खत्म होता है, अब यहाँ से दूसरा भाग शुरू होता है, लेकिन दूसरे भाग के लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। यहाँ हम लोग रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।